हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन ब्लॉगर दिया शर्मा में। और यहाँ पर ही अभी हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए, तो हम सोचे कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हुए चलते हैं। और यहाँ पर ही अभी सुबह का टाइम हो गया है 9:30 का, तो 9:30 हो रहा है अभी टाइम। और अभी हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए, फिर आते हैं और हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर ही मैंने बनाया और यहाँ पर ही है छोला भटूरा, छोला ये भटूरा वो, तो आप लोग भी खा लीजिए आराम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन ब्लॉगर दिया शर्मा में। और यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं घर, और अभी समय हो रहा है 5:30 का। और ये है आनंद स्वीट्स का डब्बा, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं ऑफिस से। और ऑफिस में इसलिए दिया गया क्योंकि ऑफिस का न्यू इनॉग्रेशन हुआ है, नई जगह में ऑफिस बनी है, इसी के लिए सब एम्प्लॉयज़ को दिया गया था। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा ताज़ा स्वीट्स था, कह सकते हैं हम ये बात, बहुत ही ज़्यादा उम्दा। तो ये जगह का नाम है जयनगर बैंगलोर केक वाला। तो ये है केक वाला का शॉप, और ये शॉप का बिक्री हो मैं आई कांट टेल यू, इतना भीड़ होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। और सब चीज़ यहाँ पे एक नंबर फ्रेश मिलता है आपको। और हम लोग भी जब बर्थडे हो किसी का या एनिवर्सरी हो, कुछ भी होता है, तो केक यहीं से लेके आते हैं। बेशक दुकान छोटा है, लेकिन इतना फ्रेश सामान, इतना फ्रेश आपको फूड मिलता है यहाँ पे कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे केक केक ठंडा नहीं रहता है, वो हल्का सा गर्म रहता है, तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि कितना फ्रेश ये लोग बेचता है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब खाना होता है यहाँ का। तो हम सोचे कि चलो बहुत दिन बाद आए हैं, तो हम लोग भी कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर ही हमने मंगाया था ये इसका नाम मैं भूल रही हूँ, तो ये वाला भी एक है, तो ये भी बहुत स्वाद था खाने में। और वो है आलू का आलू ब्रेड, बहुत ही स्वाद था। और ये फिर मैंने मंगवाया था ब्रेड सैंडविच, तो ये भी बहुत स्वाद था। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक चीज़ स्वाद था जो कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, और रहा ये चीज़। तो ये जो आइसक्रीम है, ये बहुत ही स्वाद था, एकदम माइल्ड गर्म था और बहुत ही टेस्टी था खाने में। इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि एकदम ट्राई करना चाहिए इसको। तो ये ना हम लोग बाहर से मंगवाए हैं, तो हमको ना आज बड़ी बाहर का वो एक प्रकार का चावल होता है वो खाने का मन था, तो वो इसी के लिए मंगाए थे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पॉट भी इतना हॉट है ना, हम आपको बता नहीं सकते, एकदम गर्म है। और ये भी है कुछ, आई डोंट नो, इसके साथ ही दिया है, पॉट फुल नाम है इसका, क्या है पता नहीं, इसमें शायद रायता होगा आई थिंक, ऐसे कुछ होगा। वाह यार, ये लेकिन मेरे को तो दिल खुश कर रहा है ये चीज़, सो खोल के देखना है इसमें है क्या एक्चुअली में। तो ये ना इसमें बंधा हुआ था एक्चुअली में, ये इस तरह से इसमें बंधा हुआ था, ये ऐसे था, तो मैंने खोल दिया अभी इसको। तो अभी ये चीज़ को मेरे को खोल के देखना है कि इसमें है क्या एक्चुअली, कैसा है इसका लुक। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। तो जब वो डब्बा में आया ना, इतना बड़ा डब्बा क्यों दिया है इसने, पर जो भी है हमको पूरा गारंटी लग रहा है कि यार खाने में बहुत ही टेस्टी होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो क्वाट में अगर खाना डाल के कोई दे, और आज के ज़माने में ऐसा खाना मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और बहुत ही टेस्टी भी होता है ऐसा खाना। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा निकलता है।
केला का पत्ता है ना, रिमूव करें। वाह खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये है बिरयानी और ये बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है सीरियसली, अभी तक का सबसे लाजवाब खुशबू। तो ये लो आप लोग भी खा लो, स्पेशल बिरयानी फॉर स्पेशल पीपल। यह रायता है ना, तो ये रायता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।